हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, उसको लेकर के जो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का आरओपी के साथ, उस एग्रीमेंट को लेकर के हम बात करेंगे। अगर आप न्यू वीज़ा पर ओमान के अंदर आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पहले जो भी आप ओमान के अंदर किए, अगर आपका वीज़ा कोई किसी और कंपनी का और आप किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, या ऐसा आप वीज़ा अपना रिन्यू नहीं करा करके ऐसे काम कर रहे हैं, तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। तो जो नया एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में ये हुआ है कि अगर आप इस रूल को तोड़ते हुए पकड़े जाएंगे, अच्छा खासा इसके ऊपर फाइन है। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अभी इसमें जो इसको और ज़्यादा सख्ती के साथ ये लोग पेश आएंगे, क्योंकि पहले ये काम जो था आरओपी के अंदर में आता था रॉयल ऑफ ओमान पुलिस का, लेकिन अब इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो लोग भी इनके साथ आ गया है। न्यू रूल में जो शामिल हुआ है सेफ्टी एंडिटी का, वो अब इसे अल अमना अल अल सलाम इसे हैंडल करेगी। लेकिन साफ साफ बता दूं कि पहले यह काम सिर्फ आरओपी के अंदर में आता था, लेकिन अभी के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो टीम है वो आपको चेक इन के दौरान ये लोग रहेंगे। जो जिस वीज़ा पे भी काम करते थे या जो भी किए हैं उसे आप भूल जाएँ, लेकिन अगर आप नए सिरे से ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर ओमान के अंदर में आते हैं, अपने वीज़ा पे कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, या वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी वो दूसरे जगह काम करते रहते हैं। तो ऐसा अगर चेक इन के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं, तो ये रूल पहले भी था कि अगर आप पकड़े जाएंगे तो अच्छा खासा नुकसान होगा। लेकिन ये पहले आरोपी इसको हैंडल करते थे, लेकिन अभी इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो टीम है अलमना अलसलाम का, उससे वो अब साथ में ये लोग मिल गए, अब उसे चेक करेगा। तो इसे और ज़्यादा सख्ती कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप इस रूल को अगर तोड़ते हैं कि आप अपने वीज़ा पर ना काम करके दूसरे जगह काम करते हैं, या आपका वीज़ा एक्सपायर वगैरह है, या बहुत सारा है अपना कंपनी छोड़ के दूसरे जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यू रूल जो 1 जनवरी से जो लागू होगा 24 में, तो इससे और ज़्यादा ये लोग सख्ती के साथ पेश आएंगे। क्योंकि जो न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से इन लोगों का जो डील हुआ है, अब बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ। देखिए, एग्जैक्ट इसका रीजन तो नहीं है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो जेन्युइन लोग हैं जो आप काम करना चाह रहे हैं, जिनके पास सब चीज़ है, वो सही जगह काम नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ सही है, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है फिर भी आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपको एग्रीमेंट देता है उसके खिलाफ भी एक्शन, कड़ा एक्शन लिया जाएगा ये न्यू रूल के हिसाब से। देखिए, इसमें उतनी डरने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर साफ साफ लैंग्वेज में बता दिया जाए तो पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अगर आप पहले जो किए हैं या कर रहे थे उसे आप भूल जाएं, नए सिरे से जो न्यू कानून के हिसाब से आया हुआ है, तो और सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें, अगर ऐसा करते हैं तो आपको ही नुकसान होगा। जब तक पकड़े नहीं जाते हैं तब तक आपके लिए अच्छा है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो उसको नुकसान सिर्फ आप ही को उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए पहले से उसे सतर्क रहें, अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आपका ऐसा प्लान है इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये न्यू ईयर में ये लोग जो एग्रीमेंट किया है वो यही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे कि आप जो आते हैं कि आप लोअर ग्रेड वीज़ा पे आते हैं और काम जो है वो हाई ग्रेड पे वाले पे जॉब पे आप करते हैं। तो लेकिन ये ऐसा देखिए, जब तक आप पकड़े नहीं जाते हैं तब तक आप सेफ हैं, ऐसा पहले भी था, लेकिन इसे और ज़्यादा सख्त बना दिया गया। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर भी फाइन है और कंपनी के ऊपर भी फाइन है। तो प्लीज़ आप इसे सावधान रहें, जिस वीज़ा पे आप ओमान के अंदर आए हैं उस वीज़ा पे ही काम करें, यह आपके लिए भी सही होगा। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के साथ।